हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A1 बेसिक स्टडी। आज हम लोग देखेंगे समीकरण बनाना सीखेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 4x प्लस 5 प्लस 3x इक्वल टू 19। इसमें हम लोग को करना क्या पड़ता है, देखिए x जितना में नंबर है x x टर्म एक साथ जुटेगा और जिसके साथ x नहीं है वो अलग जुटेगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले है यहाँ 4x, यहाँ है 3x। 4 और 3 कितना हो गया 7x, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 7x। इसके बाद देखिए प्लस 5 है, तो यहाँ हम लोग ऐसे ही लिख देंगे प्लस 5 इक्वल टू क्या है 19, ऐसे ही लिख दिए। अब देखिए कोई भी नंबर बराबर का उधर जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस। इधर प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, इधर अगर माइनस रहेगा तो उधर जाएगा क्या होगा, प्लस होगा। तो हम लोग को सिमिलरली क्या करना पड़ेगा, देखिए 7x है तो यहाँ 7x ही हो जाएगा इक्वल टू 19 माइनस 5। ओके, तो देखिए 7x इक्वल टू हो जाएगा, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 14। इसी प्रकार देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 14/7। इसको हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 2 = 14, तो x बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2। इसी प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को समझ लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है 5x प्लस 2 प्लस 3x इक्वल टू 6x प्लस 12। हमने क्या बताया था कि x x टर्म जितना रहेगा उसको एक साथ जोड़ दें। ठीक, अगर माइनस रहेगा तो माइनस कर देंगे, जोड़ रहेगा तो जोड़ देंगे। अब देखिए 5 और 3 कितना हो गया 8x प्लस 2 इक्वल टू जो नंबर है इसको हम ऐसे ही लिख देंगे प्लस 12। अब देखिए हमने बताया था कि प्लस इधर है तो इधर आगे क्या होगा, माइनस होगा, तो 8x माइनस 6x। अब देखिए ये प्लस है, उधर जाके क्या होगा, माइनस होगा, तो हो जाएगा 12 माइनस 2। इसी प्रकार देखिए अब इसको माइनस कर सकते हैं तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 12 में अगर 2 गया तो 10 आएगा। अब देखिए 2 इधर गुना में है तो इधर भाग में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10/2। 2 का अगर 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 10 कितना टाइम में आएगा, 5 टाइम में, तो यहाँ 5 से हम लोग काट देंगे तो x बराबर हो जाएगा 5। ये हमने भी यहाँ x का वैल्यू निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 7x प्लस 3 प्लस 4x इक्वल टू 36। ओके, तो अब देखिए हमने बताया था कि x x टर्म जुटता है तो 7x और 4x को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 11x। इसी प्रकार अगर 3 है इसको ऐसे ही रहने दीजिए इक्वल टू कितना है 36। अब देखिए करना ये है 11x इधर प्लस है उधर आके क्या होगा, माइनस, तो 36 माइनस 3। अब x इक्वल टू हो जाएगा, देखिए इसको ऐसे ही एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। ओके, तो देखिए इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 33। अब x इक्वल टू हो जाएगा 33/11। इसको यहाँ से अगर कट दें तो ये हो जाएगा 3, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3। ओके, ये आपका आंसर। आशा करता हूँ ये आप लोग को समझ में आया होगा। आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।